तो भाई, हम लोग भैया देखो पार्टी करने और आयुष भाई क्या है भाई। पहली बार आप हमारे ब्लॉग में आए, पार्टी हो रही है। कहाँ थे भैया, पार्टी करने गए थे? कहाँ थे आज? हम गए थे यार अपनी बाइक लेके आकाश का घर पे। हाँ घर की तबीयत ठीक है उसकी? पता नहीं, बात नहीं करे, पूछ नहीं। आई डिडंट आस्क, पूछ चल ले, हम ठीक है, तुम लोग का वेट कर रहे थे। चलो ठीक है, अच्छा चलो। हाँ भाई, थोड़ी देर तो अपने मतलब संभाला हमारे फ्लाइट को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अकेले बहुत डर लग रहा था अकेले बैठ के। अरे चार पांच भूत आ जाते तो मैं बजा के चले जाते। लेकिन मैं गुड आफ्टरनून एवरीवन। और अभी तो बज रहे हैं लगभग 12:20 हो रहा है, और अभी निकल रहे हैं यहाँ से एटीएम के लिए, फिर उसके बाद वापस से घर आना, और आज काफ़ी ज़्यादा काम करना है मेरे को। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो उसके चलते अभी एटीएम तक। तो लगभग यार 1:30 बज गए हैं, और अभी जब एटीएम से मैं पैसे निकाल रहा था तो मतलब उसमें मैंने अमाउंट डाला, जितना भी अमाउंट था उसको मैंने डाला, उसके बाद पैसे जो थे वो उसी में फंस गए। मतलब जहाँ से आती मशीन आधे पैसे बाहर निकले और आधी नोट अंदर ही रह गई। तो मैंने तुरंत गार्ड अंकल को बोला, तो उन्होंने आके एटीएम को पकड़ लिया, वो जो ट्रे होती है उसको पकड़ा, फिर वहाँ से धीरे 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 निकाल लें। अब कुछ नोटें तो आ गई और एक नोट अंदर ही वापस चला गया। अब मैं देख रहा हूँ एटीएम को, तो अभी मैंने कंप्लेन करी तो बोले 2 दिन के अंदर पैसे वापस आ जाएंगे अकाउंट में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इतना ज़्यादा मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत देर से पापा की गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। तो अर्जुन आएगा तो वो टोचिंग करके हम लोग लेके जाएंगे उसको बनवाने के लिए। और अभी चलते हैं, मुझे कुछ काम निपटाने थे। हाँ, मुझे जूता लेना था, आज तो लेके रहूँगा, सहारागंज जाऊँगा, जूता लूँगा, और अपनी जो कार है ये लगाना है कार में, और कार की वॉशिंग करवानी है, और उसके बाद मुझे अपनी गाड़ी भी सर्विस करवानी है। इतने सारे काम यार कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अर्पित को कॉल किया था कि मैं निकल रहा हूँ, तो अभी अर्पित के पास चलते हैं, गाड़ी को पहले सर्विस पे दे देंगे, उसके बाद चलते हैं पलासियो। मुझे लगा यहाँ पे जाम लगा हुआ है, लेकिन नहीं। तो यही है सर्विस की दुकान, और यहीं पे सर्विस कराएंगे। अर्पित तो यहाँ दिख नहीं रहा, मुझे कॉल करनी पड़ेगी उसको। अबे कहाँ थे इतनी देर से? पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे खड़े खड़े वेट कर रहे हैं, और अभी तक ये आ ही नहीं रहते। फाइनली अब आ गए, आधे घंटे ज्यादा हो गए, पूछो कितना टाइम हो गया। तो GoPro में तो बिल्कुल बैटरी बची नहीं है, 10% है, और हम लोग शायद पास से होते हुए जाएंगे क्योंकि तुरंत पहुंच जाएंगे वहां से पलासियो। भूख लग रही है यार, कुछ खाया नहीं सुबह से हमको लगता है। हाँ मैंने खाना नहीं खाया आज, भूल गया। अंदर ही लगा हुआ था और मैंने ध्यान नहीं दिया, वो हवाई में उड़ गया कहीं। और अब पलासियो आए हैं और बिना मास्क के तो शायद एंट्री है नहीं यहाँ पे, तो देखते हैं। अर्पित को तो भैया मिल गया अपना मास्क, लगा के आए थे हम भी आए थे, लेकिन वो हेलमेट के अंदर ही कहीं उड़ गया हवा से। देखते हैं, बिना मास्क के एंट्री शायद नहीं होगी, फिर वापस जाना पड़ेगा बाहर लेने के। गेट के बाहर मास्क मिल जाएगा, मैंने उनसे पूछा कैफेटेरिया दूर है या गेट के बाहर ज़्यादा, तो कह रहे कैफेटेरिया दूर है, तो हमने कहा चलो इधर चलते हैं। तो गेट के बाहर जाके मास्क ले लेंगे, 10 या 15 रुपए का मिलेगा जब तक आप मॉल देखिए। जैसे ही मैं बाहर निकला तो एक बंदा बाहर हाथ में मास्क लेके यूं कर रहा, तो समझ गया कि मुझे मास्क की ज़रूरत है, और ये कहे तो भागा जा रहा है। ए भाई, तो अभी देखना पड़ेगा कहाँ पे शॉप, और रिबॉक का तो मुझे दिख गया यहाँ पे, बाकी देख लेते हैं कहाँ पे है यूएस पोलो का, वहीं पे चलते हैं सीधा।
आधे घंटे से ऊपर हो गए और हम लोग सिर्फ यूसीबी का शोरूम ढूंढ रहे हैं, और फाइनली भैया ने बोला कि नीचे हो, जबकि हम लोग नीचे एक बार नहीं दो तीन बार राउंड मार चुके, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद किसी ने बोला ऊपर है, तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ भी ढूंढ रहे थे तो मिला नहीं। अब फाइनली पता लग गया कि हाँ एक्चुअल में नीचे ही है। जब मिला यूसीबी और देखा वहाँ जाके कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब बहुत कम वैरायटी थी, तो यार उससे ज़्यादा तो मुझे फन में मिल गई थी। तो अगर मुझे यहाँ नहीं समझ में आएगा तो सेंट्रल जाएंगे, लेकिन आज तो लेके जाएंगे चाहे जो हो जाए। मिला तो नहीं जूता जैसे मुझे चाहिए था, तो अभी हम लोग सेंट्रल चले जाएंगे। और अभी यहाँ आए तो यहाँ से परफ्यूम ले लेते हैं मिनीशो से, वो सामने वो उधर हम उसमें दिखा रहे होंगे। हमको दिखाना चाहिए वहाँ पे और मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कमाल का एग्जिट। और लेकिन यार गाड़ी किधर है अपनी? म्यूजिक अभी वापस से हम लोग को मॉल के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा घूम के जाना पड़ेगा। तो मॉल के अंदर से जाएंगे तो समझिए आप कि एक इतना बड़ा वो है रॉड है, और रॉड के बीच से एक रास्ता गया, तो वहाँ से इस साइड जा सकते हैं। अगर आप रॉड में साइड से चलेंगे कितना लंबा पड़ेगा आपको, तो इसी चक्कर में मुझे यहीं से एंट्री लेनी पड़ेगी, फिर इसके बाद डायरेक्ट हम लोग एग्जिट हो जाएंगे बाहर। इतने सारी बाइकों के ढेर थे, भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर अपनी बाइक। कहाँ है यार? एक तो पैर दर्द होने लगे, इतना ज़्यादा चल लिया अंदर, लगभग चल चुके हैं हम 6,800 कदम चल चुके हैं सुबह से लेके अभी तक, तो 3,000-4,000 कदम तो हमें लग रहा अंदर ही चल दिए होंगे हम लोग ने। हमने चले हैं यहाँ पे 4,500 कदम, घर पे पहना ही नहीं था यहीं। हाँ, तो बस समझ जाइए 4,000 किलोमीटर चल चुके हैं अंदर। किलोमीटर नहीं कदम, 4,000 कदम। तो हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं, क्योंकि हेलमेट ऐसे ही रखा हुआ था और गायब नहीं हुआ यहाँ से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, प्लस हम सब हमारे पे मुँह में पानी आ रहा पीछे, बता दो अगर खाना है तो खा सकते। भैया कहाँ कर रहे हो? अरे यार ये इसको ना, ये अभी मैं देख रहा हूँ तो मुझे 480 पे दिखाई दे रहा है, तो जब मैं इसको पहन लूँगा इसको साफ़ करने के बाद, तो मुझे अब HD में दिखाई देने वाला है। ऐसा मेरे को मीम भेजा गया था, और किसने भेजा था वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, समझ जाइए आप। आ गए हैं अभी सहारागंज और यहाँ से ले लेंगे। बहुत ज़्यादा थकान लग रही है यार, है ना? ऐसा लग रहा है कि सुबह से हम लोग बस चल ही रहे हैं और कुछ मिला ही नहीं अपने को। चल के देखते हैं अंदर। इतना ज़्यादा भारी बैग है और अभी सेंट्रल जा रहे हैं, यहाँ पे जमा हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ मिला ही नहीं। और चलते हैं अभी घर। मैंने सोचा लो टी शर्ट भी एक दो ट्राई कर ले, लेकिन समझ में नहीं आ रही, तो हरप्रीत भी बोला यार बहुत ज़्यादा थकान लग रही, तो वापस घर चलते हैं। बाहर की तरफ जा रहे थे तो देखा फॉरएवर 21, तो दो टी शर्ट ले रहे हैं, ये और ये, दोनों ही अच्छी लग रही हैं भाई। जी सर बताएं पेमेंट। अच्छी बात ये लगी कि जो इसका प्राइस था झोले का वो 1 रुपये था, क्योंकि मैंने बाकी जगह भी जितने भी लिया है जहाँ से, कहीं पे 8 रुपये, कहीं पे 10 रुपये, कहीं पे 15 रुपये। चलते हैं अभी यहाँ से। फाइनली यार घर आ गए हैं और अभी निकलते हैं यहाँ से, बस 10 मिनट में निकल जाएंगे, और यही होप करते हैं कि दुकान ना बंद हो वहाँ की, क्योंकि 8:30 बजे तक बंद हो जाती दुकान। तो चल के देखते हैं यार गाड़ी मिल जाए मेरी, वरना वहीं कल मिलेगी। तो लगभग पहुंचने वाले हैं और 8:30 तो बज गया है यार, और 2-3 मिनट बाकी है 8:30 बजने में। तो अच्छा हो मैंने अर्पित से बोल दिया था कि कॉल करके बोल दो कि हम लोग आ रहे हैं, वरना वो दुकान बंद करके चले जाते और मेरी गाड़ी वहीं रह जाती। गाड़ी एकदम सही हो गई, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, फाइनली ये वापस अपनी कंडीशन में आ गई है। तो अर्पित हम निकल लें, ठीक है? हम इधर शहीद पथ से होते हुए चले जाएंगे, शहीद पथ से होते हुए चले जाएंगे हम। तो पेट्रोल तो भरवा लिया है और अब सीधा चलते हैं यहाँ से गोमती नगर वाले घर पे, थोड़ा सा वहाँ पे बैठेंगे भाई लोगों के साथ, उसके बाद वापस से घर चले जाएंगे 10:30 तक या 10 बजे तक घर निकल लेंगे अपने। तो यार अभी तो यहाँ पे कोई है नहीं और लगभग बज गए हैं 10:40। मैंने अपना व्लॉग भी एडिट कर लिया जो अभी मैंने कल डाला था,
और अभी यहाँ से निकलते हैं और सभी गए हुए कहीं घूमने और मैं जब यहाँ पे आया तो बिल्कुल अकेला, तो थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठा रहा और अभी सब कुछ काम निपटा लिया यहाँ का और अभी चलते हैं घर। तो निकल ही रहे थे, मैंने जिशान को कॉल किया, पूछा कहाँ पे, तो अभी बोल रहे कि हुसड़िया ही पे हैं वो लोग, हुसड़िया चौराहे पे। तो जब आ जाएंगे तो निकलते हैं, अब बस 2-3 मिनट में पहुँचने ही वाले होंगे घर पे। तो हम लोग भैया देखो पार्टी करने और आयुष भाई, क्या है पहली बार आप हमारे ब्लॉग में आए? पार्टी हो रही है। कहाँ थे भैया? पार्टी करने गए थे। कहाँ थे आज पूरे? हम गए थे यार अपनी बाइक लेके आकाश का घर पे। हाँ घर की तबीयत ठीक है उसकी? पता नहीं, बात नहीं करे, पूछ नहीं। आई डिडंट आस्क, पूछ ले। चल ले हम, ठीक है, तुम लोग का वेट कर रहे थे। चलो ठीक है, अच्छा चलो। हाँ भाई, थोड़ी देर तो अपने मतलब संभाला हमारे फ्लाइट को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको अकेले बहुत डर लग रहा था अकेले बैठ के। अरे इसलिए नहीं डरा ना, क्योंकि वो भैया लोग बगल में थे तो उनसे बात भी कर रहे थे थोड़ी देर।